नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए नजर अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा कर अम्फान तूफान से हुई तबाही का जायजा लेंगे। इस दौरान वे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों पर होने वाली समीक्षा बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राहत और बचाव का अभियान कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। तूफान गुजरने के बाद अब ओडिशा में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। ओडिशा में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जबकि पश्चिम बंगाल में जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ और वहां पे एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भेजी गई। राज्य में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलहाल दोनों राज्यों के 7 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। एनडीआरएफ के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम को अंजाम दे रहा है। भारतीय राज्यों में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तबाही मचाई। हालांकि तूफान कमजोर पड़ गया है और अब इससे बांग्लादेश को कोई खतरा नहीं है। केंद्र सरकार ने तूफान पीड़ित ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीड़ितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और कहा है कि दोनों राज्यों को हर मुमकिन मदद दी जाएगी। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में दोनों राज्यों में चल रहे राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की गई। नुकसान का आंकलन करने के लिए दोनों राज्यों में गृह मंत्रालय की टीम भेजी जाएगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारियों को दोनों राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहने और सभी आवश्यक सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराने का निर्देश दिया है। देश में 25 मई यानी कि सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। शुरुआत सिर्फ 30% उड़ानों के साथ होगी। गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए बोर्डिंग के दिशा निर्देश जारी किए। यात्रियों से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। सिर्फ वेब चेक इन ही किया जाएगा। यात्रियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। यात्रियों को मास्क पहनना होगा और एक सैनिटाइजर की बोतल साथ में रखनी होगी। उन्हें केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही सरकार ने किरायों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। इसके लिए यात्री किरायों को उड़ान की अवधि के हिसाब से 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे कम अवधि की उड़ान 40 मिनट या उससे कम की है, जबकि सबसे लंबी अवधि की उड़ान 180 से 220 मिनट के बीच की है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 40% टिकटों का दाम सरकार की तरफ से तय की गई किराए की अधिकतम सीमा के आधे के अंदर होगा। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर जारी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की सख्ती के बीच देश में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नियमों के साथ चौथे लॉकडाउन में कई तरह के सार्वजनिक परिवहनों और व्यापारिक गतिविधियों के परिचालन की इजाजत दी है। इस बीच भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी खेल गतिविधियों की बहाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। एसओपी में सभी पक्षों और खिलाड़ियों की निगरानी और सहायता देने के लिए खेल परिसर में कोविड-19 टास्क फोर्स मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। वहीं ट्रेनिंग उपकरणों को इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करने और शिफ्ट में जिम के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। ट्रेनिंग स्थलों पर कड़ाई से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। और इस बीच देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3002 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में अब तक 45,299 कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 40.32% हो गया, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,609 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,12,359 हो गई है। इनमें से 63,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से 132 और लोगों की मौत के साथ ही इस बीमारी से अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच में भी तेजी आई है। 24 घंटे के दौरान 1,03,000
532 नमूनों की जांच की गई। अब तक 26,15,920 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में अहम भूमिका निभा रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की कमान संभालेंगे। WHO की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आज उन्हें चेयरमैन पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। मंगलवार को संस्था के सदस्य 194 देशों की महासभा ने इस फैसले पर मुहर लगा दी थी। चेयरमैन पद के लिए इस बार दक्षिण पूर्व एशिया समूह की बारी थी और बीते साल ही ये तय हो गया था कि ये जिम्मेदारी भारत का प्रतिनिधि संभालेगा, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का प्रस्ताव किया गया। कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन हर साल बदलता रहता है। WHO के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं जो कि तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र से होते हैं। इस बार भारत के अलावा बोर्ड के सदस्यों के रूप में बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाउ, मेडागास्कर, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और ब्रिटेन को जगह मिली है। कार्यकारी बोर्ड का मुख्य काम स्वास्थ्य संबंधित पॉलिसी को तैयार करने के लिए उचित सलाह देने का होता है। भारत और चीनी सेना के बीच लद्दाख और सिक्किम में लगी सीमा पर तनातनी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह साफ कर दिया है कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा से वाकिफ है और उसका हमेशा पालन भी करती रहेगी। भारत ने जो भी किया है अपने क्षेत्र में किया, जबकि चीन ने हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा की जा रही गश्त टीम के काम में बाधा डाली। भारत ने हमेशा से जिम्मेदारी से काम किया है और हम आगे भी भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर उसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को इस मामले में अमेरिका का भी समर्थन मिला है। अमेरिका की प्रधान उप सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने कहा कि भारत के साथ सीमा पर चीन की हरकत हो या दक्षिण चीन सागर का मसला हो, चीन का रुख भड़काऊ और परेशान करने वाला रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस तमाम अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। नमस्कार।